हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दितिमन। तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में टेस्ट लिए थे। आज ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही मेवाड़ का इतिहास, इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो है। और आप लोगों को देखना है कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही कर पाते हैं या कितने अच्छे से आपने चैप्टर जो है वो ढंग से पढ़ा है। तो देख लेंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किनका मत है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है? राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किनका मत है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। इन्होंने कहा है कि राजपूत जो है वो वैदिक आर्यों की संतान है। क्वेश्चन नंबर 2, राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में किसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई? तो किसने कहा कि मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई? तो ये कहा चंदवरदाई ने। किसने कहा? चंदवरदाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई? डॉक्टर डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर का कहना है कि राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? किस शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया? तो इसका सही आंसर है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, किसके अनुसार राजपूत विदेशियों की संतान है? तो ये मत किसका है कि राजपूत जो है वो विदेशियों की संतान है? तो ये कहना है कर्नल जेम्स टॉड का। ठीक है, तो यहाँ आप याद रख सकते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड जो है वो विदेशी थे, तो उन्होंने क्या कहा कि राजपूत जो है वो विदेशियों की संतान है। तो ये आपको याद करने के लिए मैंने एक लाइन बताई है, ठीक है, कि कर्नल जेम्स टॉड विदेशी हैं, तो उन्होंने राजपूत को क्या कहा? विदेशियों की संतान कहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? किसने राजपूतों को हूणों की संतान बताया? तो आंसर है डॉक्टर वी ए स्मिथ। तो यहां तक बहुत सारे विचारकों ने अपने अपने मत दिए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। देखिए, राजपूत को वैदिक आर्यों की संतान कहने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य। ठीक है, नेक्स्ट मुनि वशिष्ठ के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले हैं चंदवरदाई, और राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई ऐसा कहने वाले डॉक्टर डी आर भंडारकर। इसके अलावा राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा कर्नल जेम्स टॉड ने, और हूणों की संतान बताया राजपूतों को वी ए स्मिथ में। और हमने एक शिलालेख के बारे में पढ़ा, बिजोलिया शिलालेख, जिसमें वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी सामंत, उनको वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, गुहिल वंश ने कहां शासन किया? गुहिल वंश ने कहां शासन किया? आंसर है मेवाड़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसने गुहिल वंश को ईरान के नौसेना आदिल की संतान बताया? तो किसने बताया गुहिल वंश को ईरान के नौसेना आदिल की संतान? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल। ये क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो आप लोगों के याद करने के लिए बनाई जा रही है। तो किसने गुहिल वंश को ईरान के नौसेना आदिल की संतान बताया? तो इसका सही आंसर है अबुल फजल। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 क्वेश्चन, किसने गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान बताया? किसने गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान बताया? देखिए, जब हमने देखा था कि राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई, तब हमने याद किया डॉक्टर डी आर भंडारकर। ठीक है, वो कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि गुहिल वंश को ब्राह्मणों की संतान जो है वो किसने बताया? गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि गुहिल वंश ब्राह्मणों की संतान है। अगला है, किसने गुहिल वंश को सूर्यवंशी राजा कनकसेन की 8वीं पीढ़ी में हुए शिलादित्य की संतान बताया?
किसने गोहिल वंश को सूर्यवंशी राजा कनक सेन की 8वीं पीढ़ी में हुए शिलादित्य की संतान बताया? तो इसका सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉट। तो हम बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो है वो लेकर चल रहे हैं, हर पैराग्राफ में जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमने चैप्टर नहीं पढ़ा है। डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार गोहिल नरेश ने अपना शासन कब स्थापित किया? डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के अनुसार गोहिल नरेश ने अपना शासन कब स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है 566 ईस्वी में। ठीक है, गौरी शंकर ओझा के अनुसार गोहिल नरेश ने अपना शासन जो है वो स्थापित किया। और हमने देखा कि डॉक्टर गौरी शंकर ओझा के बारे में हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन देखा था कि उन्होंने कहा कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो इस तरीके से आप एक नाम से ही दो दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो याद करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी या मान मौर्य को हराकर अपना शासन स्थापित किया? तो किस प्रशस्ति के अनुसार यह हमें मिलता है, राज प्रशस्ति के अनुसार, कि 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने चित्तौड़ के शासक मान मोर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना शासन स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 13, एकलिंग जी किस वंश के कुल देवता थे? एकलिंग जी किस वंश के कुल देवता थे? आंसर है गोहिल वंश के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, बप्पा रावल के राज्य की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है नागदा। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी जो है वो नागदा को बनाया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, किसके अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालबोज था? तो यहाँ हमें एक क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि बप्पा का वास्तविक नाम था कालबोज। ठीक है, कालबोज जो है वो क्या थी, उनकी उपाधि थी। लेकिन ये किसके अनुसार, डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालबोज था। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, डॉक्टर गौरी शंकर ओझा वही है जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों की संतान बताया। ठीक है, कि राजपूतों की उत्पत्ति वैदिक आर्यों से हुई है, वो उनकी संतान है। कौन, किसने बताया ये बताया डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने ही बताया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक की शक्तिशाली सेना व कुशल प्रशासन की मुक्त कंठ से प्रशंसा की? अरब यात्री सुलेमान ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक की शक्तिशाली सेना और कुशल प्रशासन, इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की? तो ये की मिहिर भोज की। ठीक है, याद रखना है अरब यात्री सुलेमान जो है वो मिहिर भोज के शासनकाल में आया था, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मिहिर भोज की प्रशंसा जो है वो अरब यात्री सुलेमान ने की। अगला देखिए, यदि आपको थोड़ा सा स्पीड तेज लगती है तो आप अपने मोबाइल में जो स्पीड होती है उसको कम करके भी सुन सकते हैं, और यदि किसी को धीमा लगता है तो आप स्पीड को बढ़ाकर सुनिएगा। किसने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति मार्टिल से की जिसने मुसलमानों को परास्त किया? तो बप्पा रावल की तुलना जो है वो मार्टिल से करने वाले सीवी बैद, डॉक्टर सीवी बैद, इन्होंने कहा कि बप्पा रावल जो है वो फ्रांसीसी सेनापति मार्टिल जैसे हैं जिन्होंने मुसलमानों को परास्त किया था। किसने, मार्टिल ने जिस प्रकार मुसलमानों को परास्त किया था उसी तरीके से बप्पा रावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जैत्र सिंह ने अपने राज्य की राजधानी किसे बनाया? तो जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी जो है वो किसको बनाया, चित्तौड़ को। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, नागदा को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में भूताला या भूतेला के युद्ध में किसे हराया था? तो यहाँ जैत्र सिंह ने, जिन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था, इन्होंने 1227 ईस्वी में भूतेला के युद्ध में इल्तुतमिश को परास्त किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ की किस शासक के समय मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को चित्रित किया गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को चित्रित किया गया किस शासक के समय में इस मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ को? आंसर है तेज सिंह।
ठीक है, तेज सिंह के समय, मेवाड़ के तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्र शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी को चित्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। किस शासक के समय 1253 54 ईस्वी में बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया? तो तेज सिंह के समय में ही बलवन ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। किस मेवाड़ शासक ने 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति उलुग खां से कर लेकर मेवाड़ की सीमा से आगे बढ़ने दिया? तो किस मेवाड़ शासक ने, तो इसका सही आंसर है समर सिंह। मेवाड़ के शासक समर सिंह ने क्या किया था, जब अलाउद्दीन की जो सेना है वो गुजरात अभियान को जा रही थी, तो मेवाड़ जो है वो रास्ते में पड़ता था, दिल्ली से गुजरात जाने के बीच में मेवाड़ पड़ता था, तो वहां टैक्स जो है वो वसूला था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो थे वो मेवाड़ के अंतिम शासक थे रावल शाखा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय चित्तौड़ के शासक कौन थे? तो बिल्कुल रावल रतन सिंह थे चित्तौड़ के शासक 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो हमें पता है इन्होंने ग्रंथ लिखा था पद्मावत। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। गोरा व बादल नामक वीर किसके सेनापति थे? तो गोरा और बादल जो है वो वीर सेनापति थे रावल रतन सिंह के। तो इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतना ज्यादा मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ ये सभी चीजें जब हमने आरबीएससी की बुक की थी। तो किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए अब, क्योंकि एक तरीके से आपकी इतनी अच्छी रिवीजन हो जाएगी जो आपने कभी नहीं की होगी। तो ये तो मेरा मानना है कि आपके एग्जाम आने तक आप लोग इतने पक्के हो जाएंगे हर प्रश्न में कि आप किसी का भी गलत आंसर नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। किस आक्रमणकारी ने चित्तौड़ की विजय कर इसका नाम खिजराबाद रखा? तो चित्तौड़ को विजय करके और उसका नाम जो है वो खिजराबाद किस आक्रमणकारी ने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस शासक ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को विजय कर गुहिल वंश की नींव पुनः रखी? ठीक है, तो गुहिल वंश की नींव जो है वो दोबारा से किसने रखी 1326 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है राणा हमीर ने। राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ को विजय किया और दोबारा से गुहिल वंश की नींव रखी। यदि कोई स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं अब भी ये क्वेश्चन, तो प्लीज और प्लीज ध्यान दें अपनी पढ़ाई पर। अब भी आपके पास समय है, 6 से लेकर 10 तक की आरबीएससी की कंप्लीट बुक या क्वेश्चन आंसर सीरीज आप कर सकते हैं। मेरे चैनल से जुड़ा हुआ हर बच्चा जो है वो एसएसटी में कम नंबर लाए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है किसी को भी, ठीक है? चलिए, चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? तो आंसर है इसका राणा हमीर ने। चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की नींव किसने रखी? राणा हमीर ने रखी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। किस शासक को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है? तो वो कौन सा शासक है जिसको मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है? आंसर है राणा हमीर। क्योंकि इन्होंने दोबारा से चित्तौड़ को विजय करके और गोहिल वंश की दोबारा से स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। 31 क्वेश्चन है, किस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है? तो ये भी कहा गया है राणा हमीर को। नेक्स्ट देखिए,
हमीर ने सिंगोली जो बांसवाड़ा में है इस युद्ध में किसे परास्त किया था। सिंगोली का युद्ध जो है वो किस किसके बीच में हुआ था, राणा हमीर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था सिंगोली का युद्ध, जिसमें हमीर विजयी हुए थे और मोहम्मद बिन कासिम जो है वो पराजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने। आंसर है 1382 ईस्वी में। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। किस मेवाड़ शासक के समय जावर में चांदी की खान निकली। कौन से मेवाड़ शासक थे जिनके समय में जावर में चांदी की खान निकली। तो राणा लाखा ही थे जिनके समय में जावर में चांदी की खान निकली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। आंसर है इसका चूंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि जितना भी राजपाट था उसको त्याग कर वो चले गए थे। ठीक है, और जो स्टोरी है वो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाई ही थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 36। मारवाड़ के शासक रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था। तो रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो है वो शर्त के अनुसार किसके साथ हुआ था, राणा लाखा के साथ। होना किसके साथ था, चूंडा के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन। किस मेवाड़ शासक के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किस मेवाड़ शासक के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। आंसर है राणा लाखा के समय। अगला है क्वेश्चन 38। राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र राणा मोकल मेवाड़ का शासक कब बना। राणा लाखा व हंसाबाई का बेटा राणा मोकल मेवाड़ का शासक कब बना। 1421 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39। चाचा व मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर किस मेवाड़ शासक की हत्या कर दी थी। तो इन दोनों ने मिलकर महपा पवार के साथ मिलकर राणा मोकल की हत्या की थी। राणा मोकल किसके बेटे थे, राणा लाखा के बेटे थे, हंसाबाई के बेटे थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 40। किस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। तो कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा कुंभा ने मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त किया था। तो वो था सारंगपुर का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ था ये आंसर आपको बताना है। चैप्टर बहुत अच्छे ही ढंग से हम लोगों ने पढ़ा, तो अब आप बताएंगे कि सारंगपुर का युद्ध जिसमें महाराणा कुंभा विजयी हुए थे, यह मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त करके हुए थे, तो इस ये जो युद्ध है सारंगपुर का युद्ध ये कब हुआ था। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन। किस युद्ध में विजय उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल ये वही युद्ध है सारंगपुर का युद्ध, जिस विजय उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। आवल और बावल की संधि किसके मध्य हुई। आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई। तो इसका सही आंसर जो है वो है राणा कुंभा व राणा जोधा, इन दोनों के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। चंपानेर की संधि किनके बीच में हुई। चंपानेर की संधि किनके बीच में हुई। तो यह संधि गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में हुई थी। तो इन दोनों ने आपस में ही संधि कर ली थी ताकि क्या कर सकें, ये जो राणा कुंभा है उनको परास्त कर सके। मेवाड़ में 84 में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। तो पता है हमें कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है वो किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया। तो आज हमने मेवाड़ का इतिहास के अंतर्गत क्वेश्चन जो हैं वो किए हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी थोड़े से मेवाड़ के इतिहास के जो क्वेश्चन हैं वो बाकी हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम
पूरे मारवाड़ के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से तैयारी हम करते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी लगातार चलती रहेगी, आप लोगों को बिल्कुल भी एसएसटी के मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसएसटी का जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करके रखेंगे हम लोग एग्जाम तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।